रीवा में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा है कि पंजीकृत किसानों को ग्राम पंचायत सचिव तथा पटवारी के माध्यम से सूचना देकर ग्राम पंचायत भवन में बुलाकर उनकी केवाईसी अपडेट कराएं। प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर केवाईसी अपडेट की जा रही है। जिन ग्राम पंचायतों में आधार लिंकिंग के लिए बड़ी संख्या में किसान शेष है, वहां इसके लिए शिविर लगाएं। सभी तहसीलदार प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसानों के बैंक खातों के आधार लिंकिंग के लिए नोडल अधिकारी तैयार करें। सभी एसडीएम आधार लिंकिंग की प्रगति की हर सप्ताह पटवारी हलकावार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकृत सभी किसानों की केवाईसी 31 जुलाई तक अपडेट कराएं। कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों के बैंक खाते में आधार लिंकिंग नहीं है, वो ग्राम पंचायत अथवा कियोस्क सेंटर में जाकर आधार लिंकिंग करवा सकते हैं। केवाईसी अपडेट न होने तथा बैंक खाते में आधार की संख्या दर्ज न होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त नहीं हो सकेगी। केवाईसी अपडेट कराने के लिए ओटीपी किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। वहीं बायोमेट्रिक के माध्यम से भी केवाईसी अपडेट कराया जा सकता है। सभी एसडीएम इस कार्य की सघन मॉनिटरिंग करें, जिसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।